मध्य प्रदेश में तेज आवाज लाउड स्पीकर और डीजे प्रतिबंधित कर दिए हैं। सरकार के आदेश के बाद प्रदेश भर के डीजे संचालकों में नाराजगी देखी जा रही है। गुरुवार की शाम को इंदौर डीजे संचालकों ने भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक विधानसभा के विधायक कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की, जिसमें डीजे पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। डीजे संचालकों ने डीजे पर प्रतिबंध लगाने से प्रदेश भर के 8 से 10 लाख लोगों के प्रभावित होने की बात कही। वही मांग पूरी नहीं होने पर डीजे संचालकों ने राजधानी भोपाल में उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। मैं महारानी रोड इंदौर से हूँ। हमारी एक एसोसिएशन है देवी अहिल्या साउंड एंड लाइट विक्रेता संघ, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे सुधीर जी सचिव है। और ये जो विविधता आई है, ये पूरे मध्य प्रदेश के हमारे कस्टमर का आई है। हम लोग उस चीज़ को बेचते हैं, ये लोग बजाते हैं। कई ग्राहक ऐसे जिन्होंने लाखों रुपए लोन लेके बैंक से ये धंधा चालू किया है, लेकिन अगर इनका धंधा बंद हो गया तो ये लोन कहाँ से चुकाएंगे, कैसे इनका घर बार चलेगा। इससे काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। कम से कम 8 से 10 लाख लोग एमपी के प्रभावित हो रहे हैं। मेरी सरकार से एक ही निवेदन है कि आप हमारे कस्टमरों को, हमारे हायरों को, डीजे वालों को एक समय सीमा दी जाए और कुछ गाइडलाइन बनाई दी जाए, जिससे कि हमारे डीजे भाई लोग उस चीज़ का पालन करें, ना कि उनको बेरोजगार करके उनका नुकसान ना करें। उनके परिवार चलता है, इससे टेंट वाले, बैंड वाले, साउंड वाले, इन सब के धंधे में फ़र्क पड़ रहा है। और चूँकि मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारे व्यापारी भाइयों के लिए कुछ सोचें। अगर ये नहीं हो पाता है तो हमारे, मेरी अध्यक्ष के नाते पूरे एमपी में हर ज़िले से अध्यक्षों से बात चल रही है। उनका यह कहना कि अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो हम भोपाल में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। अनिल राय, देवी अहिल्या साउंड एंड लाइट, अध्यक्ष महारानी रोड इंदौर। मांग हमारी है, जो डीजे पूरा प्रतिबंध कर रखा है उसको थोड़ा स्थायी रूप से चालू करवाया जाए, पूरा प्रतिबंध ना करें। वो एक बात अलग है कि धार्मिक स्थलों से उनने जो बंद करा है या निकाला गया है वो ठीक है, पर हमारा धंधा क्यों बंद करा हुआ? हमारे साथ भी रोजी रोटी लगी हुई सभी व्यापारियों की, कुछ तो चालू करें। तो हम इतने लोगों जाएंगे कहाँ? इसके अलावा हमारे पास व्यापार है क्या? कम से 5 से 7 लाख हुआ। हम कैलाश जी से मिलने आए हुए, उनको आवेदन दे के बोलना चाहते कि हमारा कुछ व्यापार चालू करवाए। अब यहाँ से कैलाश जी सुन लेंगे तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। उन्होंने जो अभी एक नया आदेश पारित किया है, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्ण तरीके से वर्जित कर दिया गया है। और जो भी उन्होंने जो छोटी सी रियायत दी है, रात को 10 बजे तक आप 2 स्पीकर बजा सकते हैं, उसका पूरा असर हमारे व्यापार पर पड़ रहा है। इंदौर जिले के अंदर हम 35 से 40 हज़ार लोग हैं जो इस व्यापार से अपना घर चलाते हैं, और हमसे कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। मैं खुद एक साउंड वाला हूँ, मेरे साथ में कुछ गाड़ी वाले हैं, मेरी लेबर है। तो ये जो आदेश आया है इससे हमारा धंधा पूर्ण तरीके से प्रभावित हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमें उचित निर्देश दिए, मतलब जो गाइडलाइन दी है उसमें कुछ उचित छूट दी जाए, जिससे हम अपना व्यापार सही तरीके से, निर्धारित तरीके से चला सकें। डेसिबल जो उन्होंने डिसाइड किए हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उस डेसिबल से ज़्यादा जा रहा है। 50 डेसिबल दिया है सरकार ने, तो 50 डेसिबल तो आप एक चौराहे पर खड़े होंगे, वहाँ पर जाके आप रीगल पर खड़े होते हैं, 100 डेसिबल ऊपर हो जाता है यहाँ पर। वही तो हमारे सामने एक आपत्ति है कि हम, हमारा व्यापार कैसे चलना है। डीजे पूरा प्रतिबंध कर रखा ना, उसी को चालू करवाना है। क्योंकि कैलाश जी खुद एक आर्टिस्ट रह चुके हैं, वो हमको ऐसा लगता है कि हमारे दर्द को उनसे अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि व्यक्ति समझता तो ऐसा आदेश ही ना निकालता। कहना यही चाह रहे हैं कि जो भी आदेश निकाला है, इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, हमारा व्यापार बंद हो रहा है, हम क्या करेंगे? या तो सरकार हमें कोई रोजगार दे। हम तो यही चाहते हैं जो व्यापार हम इतने सालों से कर रहे हैं, निरंतर रूप से कर रहे हैं, हम उसी को करें, हमें छूट उसमें दी जाए। अंकुश लगाना अलग बात है, प्रतिबंध लगाना अलग बात है। आप अंकुश लगाएं, हम भी चाहते हैं कि प्रोग्राम जल्दी खत्म हो, हम भी हमारे घर जल्दी जाएं, मगर प्रतिबंध ना लगाएं। प्रतिबंध लगाएंगे तो हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। कार्रवाई करेंगे, अपनी मांगे नहीं मानेंगे तो भोपाल उग्र आंदोलन करेंगे साहब।